बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इज अनस्टॉपेबल. इंडिया में उन्हें बैक टू बैक कई बड़ी फिल्म्स कई बड़े एक्टर्स के साथ करते हुए देखा जा सकता है और उनकी कई फिल्म्स लाइंड अप भी है जिनकी शूटिंग अभी बची हुई है. और इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई है, दीपिका पादुकोण ने एक हॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है. दीपिका पादुकोण को 2017 में XXX फिल्म में देखा गया था जिसमें वो विन डीजल के साथ नजर आई थी और अब उन्होंने एक और हॉलीवुड फिल्म साइन की है जिसमें वो लीड एक्टर का रोल प्ले करती नजर आएंगी. ये अपकमिंग फिल्म एक क्रॉस कल्चरल रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें दीपिका पादुकोण ना सिर्फ एक्ट कर रही है बल्कि STX फिल्म्स के साथ मिलकर दीपिका इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाली है. ये बड़ी अनाउंसमेंट मंडे को STX फिल्म्स के चेयरमैन एडम फोगलसन ने सोशल मीडिया पर की है. उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने ये गुड न्यूज़ सभी के साथ शेयर की. दीपिका की पिक्चर के साथ उन्होंने एक हेडलाइन शेयर की जिस पर लिखा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण टू स्टार इन STX फिल्म्स एंड टेंपल क्रॉस कल्चरल रोमांटिक कॉमेडी. और इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, वर्ल्ड रिनाउंड परफॉर्मर एंड प्रोड्यूसर दीपिका पादुकोण इज टीमिंग अप विद STX फिल्म टू ब्रिंग हर नेक्स्ट रोम कॉम टू ऑडियंसेस अराउंड द ग्लोब. दीपिका पादुकोण ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो चाहती है कि इससे वो कुछ इम्पैक्टफुल या फिर डायनामिक कर सके. इसी के साथ हम आपको बता दें कि एक्ट्रेस फिलहाल शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान की शूटिंग करने में बिजी चल रही हैं. इसके अलावा वो शकुन बत्रा की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट कर चुकी हैं. अमिताभ बच्चन के साथ एक्ट्रेस द इंटर्न में नजर आएंगी.